तो एक गाइस गुड मॉर्निंग। और गांव से आते ही हम बैक विद माय रूटीन ओट्स खाने लगा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। एक्चुअली कल वहाँ पे ज़्यादा खाना खा लिया था, तो आज मैंने बोला कि बाकी भी इन डाइट वापस आ जाते हैं। और आज मौसम फिर से अच्छा। भाई आज तो कतई गदर मौसम हो रखा है, देखते हैं मम्मा क्या कर रहे हैं। हेलो गाइस, नहीं कहना आज इन्होंने। तो भाई आज मम्मा मक्खन नहीं मिलेगा। ये देखो मक्खन निकाला है। आपने क्या बनाया? बेसन के लड्डू बन रहे हैं। बेसन का लड्डू? वो मतलब फिर आज आप सरदार बन गए हो। अरे वो गणपति जी को चलाने के लिए मैं बेसन का लड्डू बना रहा हूं। मैंने सोचा आप बोल रहे हो कि गणपति जी को खुश करने के लिए सरदार बनी हूँ। हेलो गाइस, मक्खन। तो फाइनली गाइस हमें मक्खन मिल गया, और मक्खन मिल गया। थैंक्स मम्मा, थैंक्स मम्मा मम्मा। जस्ट कंप्लीट वन टॉपिक भी नहीं, जस्ट कंप्लीट। हाँ, जैसे 8 सब्जेक्ट्स हैं, एग्ज़ाम है, तो एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक फिनिश। अभी दूसरों के टर्न है। ये भी बेचारे मुझे कब से बुला रहे हैं, लेकिन इनको टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं। तो नाराज़ बैठे हैं मुझसे, और अब मैं इनको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे याद नहीं आ रहे हैं, नाराज़ हो गए मेरे से। और कि आप सबको प्रायोरिटी दो, किसी को ऊपर किसी को नीचे मत रखो, नहीं तो फिर ये नाराज़ हो जाते हैं ना, फिर इनको फिर से मेमोराइज़ करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ये कुछ ऐसे पता नहीं यार इसको कुछ बोलते हैं। हाँ, सार्कैज़म था मेरा। मम्मा आपको पता है मैंने और आपने एक बार लास्ट टाइम ट्राई किया था, जब हमसे वो नहीं बना था, हमने पॉपकॉर्न बनाने की कोशिश किए थे मक्की से, तो हमसे नहीं बने थे। मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो पॉपकॉर्न आई नहीं। तो आज मैं फिर से ट्राई करने लगा हूँ, वापस फिर से बनाने लगा हूँ पॉपकॉर्न। तो इस टाइम में क्या करूँगा कि इस टाइम मैंने सिर्फ एक ही मक्खी छीली है, छोटी वाली। और सबसे पहले मैं घी डाल देता हूँ। तो सबसे पहले हम घी डालेंगे। मम्मा घी ज़्यादा डालते हैं कम डालते हैं? घी ज़्यादा डालते हैं कम डालते हैं? तो ऐसे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हल्का सा, और घी हम यहाँ डाल देते हैं। तो इस बार मैंने सिर्फ इतने ही पॉपकॉर्न रखे हैं, क्योंकि तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा अगर मैं करूँ वो सारे, अगर मैं भर दूँ तो फिर वो ख़राब हो जाए, तो फ़ायदा नहीं है कोई। अब मैं इनको इनमें डाल देता हूँ। यहाँ पे आगे मैसअप हो चुका है सारा कुछ, तो मैं हल्का सा यहाँ पे नमक डाल के इसको हिलाता हूँ। तो मुझे लगता नहीं है कि पॉपकॉर्न बनेंगे फिर से आज। वेट फॉर इट गाइस। और अंदर टक टक होने लग गया, अम्मा टक टक हो रहा अंदर। हाँ, अंदर पटाखे फूट रहे हैं गाइस। और मम्मा कौन से प्रेशर पे करते हैं, स्लो कुक पे करते हैं या फिर नॉर्मल रखते हैं? पटाखे फट रहे हैं। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, इनमें कोई कुछ हो ही नहीं रहा इनमें, आज भी लगता है प्लान फिट हो गया। कोशिश उठा ही आ गए तो सारे, तो मुझे लगता है कि वो कोई दूसरे टाइप के मक्खी होती है जिसके पॉपकॉर्न बनते हैं। और ये इंस्टाग्राम पे आज मुझे फिर से भरोसा उठ गया। वो खूब कहा है किसी ने कि लौट के बुद्धू घर को आए, और फैंसी स्टफ छोड़ के अपना रेगुलर नॉर्मल वाला ही ठीक है भाई। क्या किया अपने अपने क्या किया तेरी यार, ये कलर ज्यादा अच्छा है। ऊपर हो गए ग्रीन, नीचे हो गए पिंक। और मम्मा वॉक करने गए थे, तो हमने लाया मतलब मंचूरियन, वो भी
जो चिंग्स चाइनीज का जो मंचूरियन में जो आता है वो, और इस लड़के को, इस जनाब को मैंने अंदर जाके बोला कि हमने ना मंचूरियन लाया वो भी बनाएंगे। पता नहीं कौन से ध्यान में था, ईयरफोन्स लगाए थे तो इसको लगा, इसको ध्यान में आया कि मंचूरियन की रेसिपी रेडीमेड लाई है और खुश होके बाहर आ रहा है कि वाह आज तो पनीर बनेगा, हमें मंचूरियन ड्राई हो। जब इसने देखा तो निकला चिंग्स चाइनीज और ये इसका एक्सप्रेशन, तो क्या हो गया, क्या हो गया यार, टेस्टी बनाऊंगी मैं, बहुत अच्छा बनाऊंगी, मंचूरियन जैसी फीलिंग आएगी तुझे। मैंने एक्चुअली क्या किया, मैं अंदर था, मैंने कान में ईयरफोन लगाए थे, तो इन्होंने मेरे को सीधा बोला, मैंने ना मंचूरियन लाया, मंचूरियन भाई ये नूडल बोलते हैं इसको, पता नहीं नाम मंचूरियन रखने से मंचूरियन थोड़ा हो जाता है, ये नूडल ही होते हैं ये भाई, सीधे बोलो कि मैंने मंचूरियन फ्लेवर नूडल लाए हैं। अगले बंदे की होप हो जगी कि भाई आज तो वो मंचूरियन बॉल्स मिलेंगी वो ग्रेवी वाली, मैंने बोला बड़ी टेस्टी, साथ में तो पनीर बनाऊंगा आज मैं तो। वैसे मेरा हमारा सारा व्लॉग्स खाने से रिलेटेड ही होता है, सुबह जब स्टार्टिंग होती है और रात को, तीनों टाइम खाना दिखाते हैं हम, उसका तो कुछ नहीं दिखाते हैं घर पे, पर फिर भी ये मंचूरियन, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे, बात है। अरे ये बहुत अच्छा बनेगा और ये इतना टेस्टी बनेगा। अब एक ही उम्मीद में मैं आपको माफ कर सकता हूँ कि दोनों पैकेट बनेंगे। अब फोन बदल लो, अब वो आ गया आईफोन 13 प्रो मैक्स 1,29,000 का। सीरियसली 1,29,000 और मुझे उसमें मिल जाएगा ईएमआई पे अगर। और जब आप अपना ये फोन एक्सचेंज करोगे तो 20-22,000 तो और कम होंगे, इसका कम हो जाएगा तो 1,00,000 का पड़ेगा, लेकिन आपको 1,00,000 में तो गाड़ी आ जाएगी आपकी। और मॉम का रिएक्शन देखो, मम्मा ले लूं आईफोन, नहीं क्यों मम्मा, इट्स अ स्टाइल आइकन मम्मा, मम्मा बोलते हैं जो फोन है वो फोन ही फोन है, तो दी को बड़ी देर से शौक है तो ये बोल रहे मैंने आईफोन लेना, मैंने बोला वेट कर लो। एक्चुअली मेरा ये है कि जैसे ही गाड़ी आएगी मेरे पास अपनी पर्सनल, तो आईफोन तो आना ही आना, एक मंथ पर दो चीजें मुझे इकट्ठी लेनी है। हाँ इनको ये हो जाएगा कि इनका 1+7 Pro, आपका 7 है या 8 Pro है, 1+7 Pro है मेरा, हाँ 1+7 Pro Max है, तो अगर ये गया तो ये कम से कम भी आपका 18-19 तक का तो जाएगा, मिनिमम लगा के चलो अगर, तो अगर 18-19 कम हुए और ऊपर से अगर HDFC या किसी और का कहीं से हमने लिया तो आपको 1,00,000। और अगर आपको ब्लॉग बड़े मस्त बनेंगे वैसे, एक गाड़ी का ब्लॉग और एक अगर आईफोन लेने गए तो आईफोन वाला ब्लॉग, तो ब्लॉग के लिए सब कुछ कर, आप तो कम से बोल रहे हो मुझे आईफोन चाहिए। पापा क्या इस मूवी का सिनेरियो बता देता हूँ। सबसे पहले इस मूवी का नाम है पेपर बॉय, ये लड़का पेपर देता है, ये लड़की एक अच्छे मतलब कि एक रिच फैमिली से है और ये लड़का उतनी रिच फैमिली से नहीं है, इस लड़के को इस लड़की से प्यार है और फाइनली कुछ मूवी में तिकड़म लगा के ये लड़की इस लड़के से इम्प्रेस हो गई है, ठीक है। और अब ये लड़की किसी, क्या करती है लड़की, ये शायद इस कंपनी में काम करती है और ये लड़का इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया, हाँ तो वो लड़की उसे पूछ रही है कि तुम मतलब कि यहाँ पे ये पेपर देने आए हो, न्यूज़पेपर देने आए हो, बोलता नहीं, फिर बोलती है कि तुम यहाँ पे वो इसका बिल की पेमेंट लेने आए हो, बोलती है नहीं, तो इसके बाद वो क्या बोलता है सुनो, एंड माय फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और मुझे भी अपनी जॉब खतरे में लग रही है। तो फिर बिल के पैसे लेने आए होगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया, लेकिन जॉब नहीं मिला। वैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक किया है मैंने। बीटेक? बीटेक किया लड़के ने, बीटेक, एंड मुझे भी अपना फ्यूचर कुछ इसी साइड नहीं लग रहा, इट्स जस्ट अ ह्यूमरस वे हंसाने के लिए बस, लेकिन थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल था तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग में दिखाना बनता है, क्योंकि मैं वही चीज़ें दिखाता हूँ जो रिलेटेबल होती है, जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर होता है, ठीक है ना।